बहादुर रीमा और डरावना घर एक बार की बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक पुराना डरावना घर था। कहा जाता था कि घर में एक भूत रहता था। कोई भी उस घर में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक युवा लड़की जिसका नाम रीमा था उस घर के पास से गुजर रही थी। उसे घर के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वह जानना चाहती थी कि क्या यह सच है। उसने घर के अंदर जाने का फैसला किया। रीमा घर के अंदर गई और उसे अंधेरा और खाली मिला। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद भूत सिर्फ एक अफवाह है। रीमा ने घर के अंदर घूमना शुरू किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उसे लगा जैसे कोई उसे फुसफुसाता है। वह डर गई और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी। रीमा ने एक दरवाज़ा खोला और एक अंधेरे कमरे में गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, उसे एक भयानक चीख सुनाई दी। उसने घूमा और देखा कि एक भूत उसके सामने खड़ा है। भूत एक महिला थी। वह सफ़ेद कपड़े पहने थी और उसकी आंखें लाल थीं। उसने रीमा को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? रीमा डर से कांपने लगी। उसने कहा, मैं बस जानना चाहती थी कि क्या तुम सच में हो। भूत ने कहा, मैं सच में हूँ और अब तुम मेरी आग में जलोगी। भूत ने अपने हाथों से आग की लपटें निकाली। लपटें रीमा की ओर बढ़ीं। रीमा चिल्ला उठी और भागने लगी। रीमा ने घर से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। वह भागती हुई बाहर निकली और दौड़ते हुए अपने घर की ओर गई। रीमा घर पहुंची और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने सांस ली और सोचा कि वह बच गई है, लेकिन उसे पता था कि भूत अभी भी बाहर है। रीमा ने उस रात सो नहीं पाया। उसे भूत की आवाज़ें और उसके चेहरे की तस्वीर बार बार दिखाई देती रही। अगले दिन रीमा ने गांव वालों को भूत के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसे नहीं मानता था। वे कहते थे कि वह सिर्फ कल्पना कर रही है। रीमा जानती थी कि वह कल्पना नहीं कर रही है। वह जानती थी कि भूत वास्तव में मौजूद है। रीमा ने भूत से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाई। उसने एक पुराने जादूगर को बुलाया। जादूगर ने रीमा को एक जादू की छड़ी दी। जादूगर ने कहा कि यह जादू की छड़ी भूत को भगा देगी। रीमा ने जादू की छड़ी ली और घर के अंदर गई। उसने भूत को बुलाया और उसे जादू की छड़ी दिखाया। भूत ने रीमा को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, तुमने मुझे नहीं हरा सकती। भूत ने अपने हाथों से आग की लपटें निकाली, लेकिन इस बार रीमा तैयार थी। उसने जादू की छड़ी को लहराया और आग की लपटों को बुझा दिया। भूत ने रीमा को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मैं वापस आऊंगी। भूत गायब हो गया। रीमा ने राहत की सांस ली। वह जानती थी कि भूत वापस आएगा, लेकिन वह उसके लिए तैयार थी। रीमा ने जादू की छड़ी को अपने पास रखा। वह जानती थी कि यह उसे भूत से बचाएगी।